हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट्स व्यू। आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। आई एम डेंटिस्ट बाय माय प्रोफेशन, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड रनिंग अ सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल नेम टॉपर्स टॉप। जो आज जो है हम अपना पूरे दिन का व्लॉग शुरू करेंगे अबाउट द यूपीएससी स्टडी। शुरुआत जो है वो मैं हमेशा अपनी वॉर्म वाटर से करती हूँ, बिकॉज ये एकदम से उठते ही आपकी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है। दिल्ली में जो वेदर है वो चेंज हो गया है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, अपने घर पे रहती हूँ, कहीं पीजी में नहीं रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने फोगी फोगी वेदर हो चुका है पूरा, बर्ड्स जो है वो भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करूँगी, वॉर्म वाटर पीऊँगी थोड़ा सा नेचर के साथ, एंड देन उसके बाद फ्रेशन अप होंगे, शावर लेंगे। हेलो, सो दिस इज़ मी। तो हम जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे, एज माइंड को पूरा ऑक्सीजन चाहिए होता है पूरे दिन स्टडी अच्छी तरीके से करने के लिए। उसके बाद हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, एज लाइब्रेरी में या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी बैक की एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। उसके बाद जो है क्या है कि मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ घर पे रहते हुए भी, तो मैं यहाँ पे अपनी लंच प्रिपरेशन कर रही हूँ बिकॉज मुझे अब इसके बाद लाइब्रेरी के लिए निकलना है। देन आई एम प्रिपेयरिंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जो होता है वो मैं लाइट रखती हूँ बट प्रोटीन रिच रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसन चीला बना रही हूँ बिकॉज आई एम अ हार्ड कोर वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग वगैरह कुछ ले सकते हैं, बट उसको प्रोटीन रिच ही रखें और लाइट रखें। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो जल्दी सी रेडी होने के बाद जो है वो मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए निकल रही हूँ। लाइब्रेरी मेरी थोड़ी सी दूर है बिकॉज़ मेरी फ्रेंड भी वहाँ पे है, तो हम वहाँ पे साथ में पढ़ते हैं। अभी सुबह निकली हूँ मैं, रात तक वापस आऊँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपनी लाइब्रेरी में पहुँच गई हूँ। अगर आपको मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल टॉपर्स टॉप को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर जो है वो मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं व्लॉग्स के। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ स्टूडेंट्स व्यू की इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स अ ऑसम चैनल। तो जो है लाइब्रेरी में पहुँचने के बाद जो मतलब सुबह ही मैं पहुँच जाती हूँ और मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी खाली होती है, सो इट्स अ गुड थिंग कि आप पहले पहुँचें और फिर बाद में निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमेशा अपनी जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग से करती हूँ बिकॉज मुझे उसके डेली करंट अफेयर के मैं अपने नोट्स खुद बनाती हूँ। तो जितने भी एडिटोरियल्स हो रहे होते हैं और उसी के साथ क्या स्टैटिक पोर्शन का कंटेंट आज करंट में आया है वो भी पता चल जाता है। तो मेक श्योर कि आप कभी भी न्यूज़पेपर स्किप ना करें। करंट मैगजीन्स जो होती है वो आपको हेल्प कर सकती है बट वो न्यूज़पेपर को नहीं रिप्लेस कर सकती। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी वाटर बॉटल जो है वो फिल करने जा रही हूँ। और इसके साथ एक फ़ायदा भी होता है, जब आप कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, वॉक कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, उसके बाद जो है न्यूज़पेपर को रख कर मैं शुरुआत जो है आज वो अपने फर्स्ट स्टैटिक पोर्शन दैट इज ज्योग्राफी से करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं जी सी लियोंग को पढ़ रही हूँ। देन ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद अगेन एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पे जो कॉरिडोर था लाइब्रेरी का अभी जिससे मैं आई भी थी, तो मैं वहाँ पे जो है वो अकेले ही वॉक कर रही हूँ। ऐसे बैठे बैठे भी आपको ऐसे हो जाता है हेक्टिक सा कि यार क्या मतलब यही करते रहेंगे क्या। तो इस वजह से उठिए, 5-10 मिनट वॉक कीजिए, कुछ भी फ्रेश एयर लीजिए या फिर बात नहीं करनी है लाइब्रेरी में किसी से आपको, बस अपना टाइम खुद को दी।
जो है अब मैं शुरुआत करने जा रही हूँ अपने नेक्स्ट फ्लोर से। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप बिगनर हैं या फिर आप किसी भी स्टेज में यूपीएससी के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास जरूर होने चाहिए, प्रीलियम्स और मेंस दोनों के। जिस भी टॉपिक को आप करेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से रटेंगे, अच्छे से देखेंगे, देन उस टॉपिक को करेंगे। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर रही हूँ। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे टॉपिक सिलेक्ट होके आए वो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हो सका तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वरना उसका नाम है टॉपर स्टॉप, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ हर सब्जेक्ट के, करंट अफेयर, स्टैटिक, और ये वाला पोर्शन जो है आपका सिलेक्टेड टॉपिक्स का, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और उसी के साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉपर स्टॉप यूट्यूब चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। नैन टाइम हो गया लंच का। इट्स इम्पॉर्टेंट कि पढ़ाई के बीच में जो है वो आप छोटी छोटी जो मील्स हैं वो अपनी लेते रहें। हैक्टिक, सॉरी, हैवी मील्स नहीं लेनी है ज़्यादा, मतलब कि बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है बट अच्छा खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना लंच जो है अपनी फ्रेंड के साथ करती हुई, और इस तरीके से मेरा आधे घंटे का ब्रेक भी हो जाएगा पढ़ाई के बीच में, और मेरा लंच भी हो जाएगा, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपका माइंड भी थोड़ा शट होने लगता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेक ज़रूर लें। लंच करने के बाद जो है वो मैं अब शुरुआत कर रही हूँ मॉडर्न इंडिया से। क्या है, देखिए, मेंस और प्री के क्वेश्चंस मैंने कर लिए हिस्ट्री के, तो अब जो है वो जो टॉपिक मुझे करना है वो मैं करूँगी। दिन खाना खाने के बाद नींद किसको नहीं आती यार। तो मैं यहाँ पे चाय लेने गई थी, बट चाय वाले अंकल पता नहीं कहाँ ही गायब थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी, और भी लाइब्रेरी से बच्चे आ चुके थे जो उनका वेट कर रहे थे, बट अंकल वो जस्ट मिसिंग, पता ही नहीं वो आज कहाँ चले गए थे। तो फाइनली मैंने अचीव कर लिया और चाय मिल गई मेरे को, मैं यहाँ पे लेके आ गई चाय को। बिकॉज ये होता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेन जो होता है ना उसको स्टिमुलेट करना होता है, शाम हो चुकी है पढ़ते पढ़ते आपको। उसके बाद क्या है, देखिए, आपके पास ना एक ही जीके की बुक ज़रूर होनी चाहिए, अरियंत की। मेरे पास मनोहर पांडे की है, आप देख लीजिए जो सा आपको पब्लिकेशन पसंद है। इसमें क्या है ना कि फैक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं, तो जो स्टूडेंट्स पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना यूपीएससी के साथ, उनके लिए ये बुक जो है वो मस्ट है। तो यहाँ पे जो है वो मैं दो चीज़ें कर रही हूँ, एक तो मैं ज्योग्राफी में स्ट्रेट्स कर रही हूँ, ये ऑब्वियसली आपको एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलेंगे, ठीक है, और उसी के साथ जो है वो मैं इन्वायरमेंट के कन्वेंशंस करूँगी, देन उनको मैं यहाँ पर लिख के देखूँगी, जो अब भी आप आगे देखेंगे। तो ये करने के बाद जो है वो मैं अब अपने घर के लिए निकलूँगी। ऐसा अंधेरा सा थोड़ा होने लग गया है, और थोड़ा सा मतलब ये होता है कि जाम बहुत होता है, दिल्ली का जाम देखे यार कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं फंसी हुई थी बहुत देर से। One eternity later. सो फाइनली आई रीच टू माई होम, बट इट्स नॉट फिनिश येट। अभी जो है और भी चीज़ें करेंगे। घर पहुंचने के बाद जो है क्या था, वर्ल्ड मैप जो है वो मैंने घर पे नहीं, वो लाइब्रेरी में नहीं किया था, और मैप जो है ना वो डेली करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैप बेस्ड क्वेश्चन पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ना इस तरीके से, ये हैंगिंग वाइट बोर्ड है, आप मेरे चैनल पर भी देखेंगे ब्लॉग्स पे, टॉपर स्टॉप पे, कि जो है मतलब मैं हर वीडियो में जो है इस तरीके से करती हूँ। इससे इतनी ईजिली आपका वर्ल्ड मैप जो है वो हो जाएगा ना, आप इस तरीके को अपना के देखेंगे।
रहेगा, इट्स रियली बेनिफिट यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं इस तरीके से आज इक्वेटर कर रही हूँ कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से जाता है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है ये चीज़, आप भी एक बार ट्राई कीजिए। भाई मजा आया। सो हेयर वी फिनिश द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉपर स्टॉप एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट व्यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच।